पहला मजबूत शासक था। चेरन सेतुंगवन इस राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था। थिंक, वाई डिड मैनी रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया मेंटेन अ नेवल फोर्स? सोचिए कि दक्षिण भारत में कई शासकों ने एक नौसैनिक बल क्यों बनाए रखा। वाई आर द ओल्ड आर्किटेक्चुरल मोन्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड? पुराने वास्तुशिल्प स्मारक संरक्षित क्यों है? वाई वेयर वेल्स लेक्स स्टेप वेल एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड लाइक टेम्पल्स इन एंशियंट टाइम? प्राचीन काल में मंदिरों की तरह कुआ, सरोवर, चरण, कुओं आदि का निर्माण क्यों किया गया था? थिंग्स टू नो, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन द मीडियाएवल पीरियड। मध्यकाल में दक्षिण भारत के राजवंशों को उनके बारे में जानने की बातें। चालुक्य रूल्ड वतापी। चालुक्य ने वतापी पर शासन किया। राष्ट्रकूट रूल्ड मान्यखेटा। राष्ट्रकूट ने मान्यखेट पर शासन किया। होयसला रूल्ड द्वार समुद्र। होयसला ने द्वार समुद्र पर शासन किया। चोलास रूल्ड तंजूर। चोलों ने तंजूर पर शासन किया। यादव रूल्ड देवगिरी। यादव ने देवगिरी पर शासन किया। प्राइड ऑफ राजपूत रूलर। राजपूत वेर वेरी ब्रेव। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री टू डाई बट नेवर फियर टू प्रोटेक्ट देम। हु स्पीक रिफ्यूज टू स्पीक द ट्रूथ द फाइट फॉर ट्रूथ वेर देयर स्पेशल ट्रेट। राजपूत वुमन राजपूतानी वेर नोन फॉर देयर चेस्टिटी एंड फियरलेसनेस। दे सेंट देयर हजबेंड्स सन ब्रदर्स टू द बैटल फील्ड विद द स्माइलिंग फेस। They were so brave that if need be, they would fight on the battlefield. They preferred Johar to burn alive if their husband were defeated and attended martyrdom in war. The heroic stories of Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. Rajput Shashako ki shaan. Rajput bahut bahadur the. वे अपने देश के लिए अपनी जान देने पर भी गर्व महसूस करते थे। मरने के लिए लेकिन कभी भी भय नहीं। शरण लेने वालों की रक्षा के लिए, सच बोलने के लिए और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए उनके विशेष लक्षण थे। राजपूत महिलाएं जो राजपूतानी है उनकी शुद्धता और निडरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने पतियों बेटों और भाइयों को युद्ध के मैदान में भेजा। वे इतने बहादुर थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे युद्ध के मैदान में लड़ेंगे। वे जौहर जिंदा जलाने के लिए भी पसंद करते थे। अगर उनके पति हार जाते थे या युद्ध में शहीद हो जाते थे, राजपूत युग की वीर गाथाओं को भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। थैंक यू। The Chol dynasty also ruled in the south. Tanjore was their capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. Raj Rajavan adopted a very systematic way of administration in the state. He started with the measurement of the land and local self-government. चोल वंश ने दक्षिण में भी शासन किया है। तंजोर उनकी राजधानी थी। चोल वंश के शासकों ने शिलोन पर हमला किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसके कारण वे समुद्र के पार भी देशों पर हमला कर सकते थे। राजराजा एक ने अपने राज्य में प्रशासन का एक बहुत व्यवस्थित तरीका अपनाया। उन्होंने भूमि और स्थानीय स्वशासन की माप के
साथ शुरुआत की, मतलब कि उन्होंने ज़मीन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की। अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूट, चेरा, पंड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। देर वॉज फ्रिक्वेंटली बैटल्स बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर एरियाज। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देर वॉज नो यूनिटी अमोंग देम। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। उनके अलावा राष्ट्रकूट, चेरा और पंड्या राजवंशों ने भी दक्षिण भारत में शासन किया, इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि राजपूत काल में कई राजवंशों ने विभिन्न स्थानों पर शासन किया। उनके बीच एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। आंतरिक संघर्षों के कारण उनमें कोई एकता नहीं थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका फायदा उठाया। हम अगली लेसन में राजपूत युग के दौरान प्रशासन और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। थिंग्स टू नो रूलर्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी इन मीडियाएवल एज। मध्यकालीन युग में राजपूत वंश के शासकों को जानने वाली बातें, तो उत्पाला डायनेस्टी रूल्ड इन कश्मीर। कश्मीर में उत्पल वंश का शासन था। सलाम्ब हर्ज वर्मा, वन माल वर्मा एक्सेट्रा रूल्ड इन कामरूपा आसाम। कामरूप नागभट्ट, देवराजा, मिहिरभोज, महेंद्रपाल इत्यादि सामहम हर्ज वर्मा, वनमाल वर्मा आदि प्रतिहार के महान शासक थे। ये सब शासकों के नाम है, नागभट्ट, देवराज, मिहिरभोज, महेंद्रपाल एक्सेट्रा। वो प्रतिहार के ग्रेट रूलर थे। शाहिया डायनेस्टी रूल्ड इन गंधार, जो शाही वंश ने गंधार में शासन किया था। चंडेला रूल्ड इन भीमबेटका, चंडेला ने बुंदेलखंड, चंदेला ने बुंदेलखंड में शासन किया था। इन द बिगनिंग टोमर रूल्ड इन धिलक, जो कि दिल्ली में है। तो स्टार्टिंग में तोमर ने धिलक, जो कि दिल्ली में है, उधर शासन किया था। राष्ट्रकूटास रूल्ड साउथ इंडिया विथ फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा केम टू पावर। राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया। It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. Out of many rulers, Govind III was the most powerful king in the 18th century. He established a powerful kingdom in the Deccan. राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत पर शासन किया। सत्ता के लिए चालुक्य वंश के राष्ट्रकूट केम के पतन के साथ। राष्ट्रकूट का अर्थ है कि किसी राज्य या क्षेत्र का प्रमुख होना। यह माना जाता है कि राजवंश का पाया उस समुदाय का एक अधिकारी था और इसलिए राजवंश का नाम उसके नाम पर से रखा गया था। कई शासकों में से गोविंद थर्ड सबसे शक्तिशाली राजा था। 8वीं शताब्दी में उन्होंने दक्कन में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। द पंड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। द पंड्या डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी वेरी एंशियंट। मेगस्थनीस द ग्रीक ट्रैवलर नोट्स दैट फीमेल यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन अ रेफरेंस टू द पंड्याज। द पंड्याज रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड थिरुनेवेली इन तमिलनाडु। चेरास रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। चेरा इज नाउ नोन एज अ केरला। इन एंशियंट टाइम केरला वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। केपाल पुत्र राज्य
is mentioned in the inscription of Ashok. Athan II was the first strong ruler of this dynasty. Cheran Setungavan was a powerful ruler of the dynasty. पांड्यों ने दक्षिण भारत पर भी शासन किया। माना जाता है कि पांड्य वंश बहुत प्राचीन है। मेगस्थनीज यूनानी यात्री नोट करते हैं कि इस समुदाय में महिलाएं भी शासन करती थी। सम्राट अशोक के शिलालेख में पांड्यों के संदर्भ में भी बातें बताई गई है। पांड्यों ने तमिलनाडु में वर्तमान मदुरे और थिरुनेलवेली में शासन किया। दक्षिण भारत पर चेरों का शासन था। चेरा अब केरल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में केरल तमिल राज्य का हिस्सा था। बाद में केरल या मलयालम राज्य अलग हो गए। कपालपुत्र राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। अथान द्वितीय इस राजवंश